अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। आजकल मार्केट में हमें सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल जाता है वो है ईयरबड्स, लेकिन अगर बात की जाए एक निक ब्रांड की वायरलेस ईयरफोन की तो वो हमें कम देखने को मिलता है, लेवल U2 वायरलेस हेडफोन। तो अब इसकी खास बात क्या है, इसका प्राइस क्या है और ये आपको क्यों लेना चाहिए, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के पाने के लिए। सबसे पहले सैमसंग, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी चीज लॉन्च करती है प्रीमियम रेंज का जरूर होता है, और उसके साथ साथ अगर क्वालिटी की बात की जाए तो प्रीमियम क्वालिटी भी होती है। यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है वो कहती है कि भाई आप जब इसको पहनेंगे तो काफी टाइम तक आप इसको नेक पे पहन सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उसके साथ साथ लॉन्ग लाइफ है और इसमें हाई क्वालिटी का आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर बॉक्स की बात की जाए तो बॉक्स में आप देखेंगे आपको व्हाइट कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर जो आपको नेक वायरलेस हेडफोन देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ दो कलर में आपको देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। अब यहीं पे अगर बात की जाए इसके हार्डवेयर की तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाता है टच पैनल असिस्टेंट के लिए, उसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम बटन दिख जाता है और यहाँ पे फोन रिसीव करने के ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगती है इसमें वो ये है कि यहाँ पे टाइप सी सपोर्ट करता है, मतलब आपके चार्जिंग पोर्ट जो है वो टाइप सी का है, लेकिन आपको कोई केबल नहीं मिलती है, उसके लिए आपको केबल अपने फोन की या फिर अलग से खरीद के इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहीं पे अगर बात की जाए स्टैंड बाई मोड की तो यहाँ पे स्टैंड बाई मोड में ये 500 आवर्स तक चल सकता है सिंगल चार्ज में। और वाटर रेजिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि IPX2 को सपोर्ट करता है ये वाटर रेजिस्टेंट, और यहाँ पे ये 12mm का ऑडियो ड्राइवर का सपोर्ट दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात की जाए ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे आपको 2 माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर कोडेक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको AAC और SBC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी मिल सकती है जब आप सुनते हैं। और यहाँ पे खास बात इसकी ये भी है कि ये नेक बैंड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नहीं दिखेगा, आप अपने नेक पे इसको रख सकते हैं। इससे एक फायदा आपको ये भी होता है, ईयरबड्स आप इस्तेमाल करते हैं तो कई बार वो खो जाते हैं, गिर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे आपको ये नेक पे होने की वजह से हमेशा फील देता रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे वाइब्रेशन सेंसर का इस्तेमाल, उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्मॉल मोटर लगाई गई है वाइब्रेट की, जहां पे जब भी फोन आता है तो ये वाइब्रेट करता है, और आप वाइब्रेट करने से आपके नेक में सेंस होता है, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाता है कि आपको फोन आया हुआ है और आप उसको पिक कर सकते हैं बिना फोन उठाए। और यहीं पे आपको 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर खो जाता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर के साइज की तो ये काफी अच्छा बना हुआ है, चाहे इतना भी आपका बड़ा ईयर हो या छोटा हो, ये आसानी के साथ और काफी कंफर्ट वे में फिक्स हो जाता है आपके कानों में। यहाँ पे फिजिकल बटन भी दिया गया है आपके नेक बैंड में, जहां पे आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और म्यूट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और अगर म्यूजिक टाइम की बात की जाए तो 18 आवर्स का म्यूजिक टाइम भी दिया गया है। टॉक टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे 13 आवर का सिंगल चार्ज में टॉक टाइम दिया गया है। वेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो वेट है इसका वो है 41.5 ग्राम, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है अदर कंपनीज के जो भी नेक बैंड आते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी प्रीमियम है और यहाँ पे लॉन्ग लाइफ है, काफी अच्छा है और ये काफी टाइम तक चलेगा। अब यहाँ पे बात की जाए कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर और उसके अलावा फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। और अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका जो प्राइस है वो रखा गया है 2000 रुपीज। तो अगर आप एक अच्छा नेक बैंड देख रहे थे और आप इस बात से परेशान थे कि ईयरबड्स आप लेना नहीं चाहते थे, उसकी वजह यही थी कि आपको डर था कहीं भीड़ में या फिर कहीं पे आप चल रहे हैं तो ये गिर ना जाए, तो नेक बैंड एक ऐसी चीज है जिसको आप ले सकते हैं, जो कि आपके गर्दन पे रहता है और गिरने की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, और बजट भी देखा जाए तो अच्छा है। एक मीडियम रेंज में आपको काफी अच्छा नेक बैंड मिल रहा है जो कि सैमसंग का है, प्रीमियम क्वालिटी भी है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं ताकि आपके दोस्त भी अगर नेक बैंड लेना चाहते हैं तो सैमसंग का ये नेक बैंड लेवल U2 ले सकते हैं। और अगर आप यूज करते हैं इंस्टा और फेसबुक, मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें, मेरा पेज है टेकी हेल्प टिप्स। और अगर आप यूज करते हैं ट्विटर तो मुझे फॉलो कर लें मेरे पेज पे, जिसका नाम है help_techie।